वारे हैं, जिसे हम नहीं देखना चाहें वो तो दिखता है, और जिसे देखना चाहें वो, उससे पहले जो दूजगार तीजगार चंद्रमा आता है वो एक कम का, वो नहीं दिखाई देता, तरस जाते हैं देखने के लिए। या तो बदल छुपा लेगा या वही छुप जाएगा, पर चौथ का सबसे पहले आगे आएगा। चौथ का चंद्रमा जिसने देखा है उसको कलंक जरूर लगेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पर भी चौथ का चंद्रमा देखने के कारण ही झूठा कलंक लगा, झूठा लगेगा। आप कहोगे महाराज उसका उपाय, बोले उसका उपाय यही है कि अगर चंद्रमा दिखाई दे गया तो भागवत के दसम स्कंध के 56 और 57 अध्याय को पढ़ लो या उसकी कथा को सुन लो, ये इसकी फलश्रुति है। आपके मन में प्रश्न उठता होगा, महाराज ऐसा उस चंद्रमा में है क्या जो वो चंद्रमा कलंक लगा देता है? सजनों, चंद्रमा श्रापित है, चंद्रमा को श्राप लगा हुआ है। ये कथा गणेश पुराण में आती है, भागवत में तो नहीं है। गणेश पुराण में ये कथा आती है कि एक बार एक फल ब्रह्मा जी महाराज लेकर के आए, भगवान शिव और माता पार्वती बैठे हुए हैं, एक की गोद में गणेश है, एक की गोद में कार्तिकेय है। वो फल ला करके माँ पार्वती को दिया। गणेश जी महाराज और कार्तिक के गोद में बैठे हुए हैं, फल एक है, बच्चे दो हैं, किसको दें किसको नहीं दें? दोनों से कहा बेटा आधा आधा खा लो, दोनों की नहीं पूरा खाएंगे, आधा नहीं पूरा। अब महाराज क्या करें, किसको दे? भोले बाबा तो चाहते हैं कि कार्तिकेय को मिल जाए, बड़ा बेटा है, और माता पार्वती चाहती है, ये हमेशा नियम है कि बाप बड़े बेटे का पक्ष लेता है और माँ 100 में 99% सही बात है, 1% ऐसा होता है जो दोनों का पक्ष ले। कभी भी देख लीजिएगा, कोई बात आएगी तो बाप हमेशा बड़े बेटे का ही पक्ष लेगा, बाप बड़े के पास ही रहने की कोशिश करेगा, और बेटा छोटा चाहे नालायक हो तो भी माँ उसी के पास रहने की कोशिश करेगी, और चाहे कितना भी कमाता हो लेकिन कोई पूर्ण पावला उसके पास है तो उसी को देने की कोशिश करेगी, ये नियम है। बड़ा बेटा बाप का लाडला है, बाप का प्यारा है, छोटा बेटा माँ का प्यारा है, और बीच वाला भगवान का प्यारा है। अरे भैया यही है, निगेटिव क्यों सोचते हो? ये सोच लो दोनों का ही प्यारा है, ये सोच लो भाई। पर भागवत में ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें बाप ने बड़े बेटे का पक्ष लिया है, माँ ने छोटे बेटे का पक्ष लिया है, और बीच वाले का तो भगवान ने ही पक्ष लिया है। कई उदाहरण है महाराज ऐसे। भोले बाबा को कार्तिक के बड़ा प्रिय लग रहा है, माता पार्वती को गणेश बड़ा प्यारा लग रहा है, फल एक है, किसको दें किसको नहीं दें? तो नारद जी खड़े थे, नारद जी से पूछा, नारद जी आप बताओ किसको दें? तो नारद जी ने कहा, माता जी बात तो यही है कि घर में चीज कम हो तो सबसे पहले छोटे को ही दी जाती है, तो छोटा होता है घर में, छोटे बेटे को मिलनी चाहिए। तो गणेश जी बोले छोटा तो मैं हूँ, माता पार्वती छोटा तो ये है मेरा बेटा, इसी को मिलनी चाहिए। बोले बाबा और कार्तिक के बोले वाह पार्वती, कार्तिक ने कहा वाह माता जी, भोले बाबा बोले वाह पार्वती। जब पद की बात आई तो गणेश बड़ा हो गया, और खाने की बात है तो छोटा हो गया, ऐसे कैसे होगा? हमारे यहां स्थानम प्रधानम नबलम प्रधानम, उम्र में कौन बड़ा है कौन छोटा ये नहीं देखा जाता, हमारे ये देखा जाता कि पद में कौन बड़ा है। छोटे से बच्चे को विनायक जी बना देते हैं तो उसको भी प्रणाम करते हैं, उसे बड़ा मान लेते हैं हम, है? कोई चाचा रिश्ते में चाचा लगता हो और उम्र उसकी 10 साल ही हो, और जो उसका भतीजा है वो महाराज चाहे 50 साल का क्यों ना हो पर चाचा को प्रणाम करेगा, बोली छोटा है तो क्या है, चाचा तो चाचा है, पग तो बड़ा है उसका, बोलते ही नहीं बोलते हैं ये पग है? तो उम्र नहीं देखी जाती, पद देखा जाता है, पग देखा जाता है। स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम। तो महाराज निर्णय ये हुआ
कि ये फल गणेश जी को नहीं, ये फल तो कार्तिकेय को। पास में चंद्रमा खड़ा था, चंद्रमा धीरे से बोला, महाराज और बनो बड्डा, बड्डो बने वो यही भूखो मरे है, इसे बड़प्पन में के निकाले हो, ऐसे बड़प्पन में क्या मिला, भूखे रहे ना। अब एक तो क्रोध पहले से गणेश जी को आ रहा था कि कुछ मिला नहीं महाराज हार हुई, और ऊपर से चंद्रमा हंसी उड़ा रहा है, तो क्रोध में आकर के गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया, जा तू दुखी आदमी की हंसी उड़ा रहा है इसलिए तेरा पतन हो जाए, तू कलंकी हो जाए महाराज। चंद्रमा क्षीण हो गया, पतन हो गया। अब सजनों अगर चंद्रमा नहीं निकले ना तो दुनिया के जितने भी फल हैं किसी में बीज नहीं पड़े और कोई फल मीठा नहीं हो, क्योंकि चंद्रमा जब चांदनी बरसाते हैं ना तभी फल में मिठास आती है और तभी फल में बीज पड़ता है। अब चंद्रमा नहीं निकले तो सारा मामला गड़बड़, क्योंकि सबसे ज्यादा अमृत चंद्रमा के पास है और उस अमृत के प्रभाव से ही मिठास पैदा होती है। अब सजनों क्या हो, जब चंद्रमा श्रापित हो गए, निकल नहीं रहे हैं, सारे देवताओं ने प्रार्थना की, चंद्रमा ने महाराज प्रार्थना की, तो अंत में क्या हुआ, गणेश जी महाराज ने कहा ठीक है तुम सब कहते हो, तो कहा चंद्रमा बोल, तुझे कलंकी तो होना पड़ेगा, महाराज साफ कह दिया कि जो तेरा मुंह देखेगा वो भी कलंकित हो जाएगा, ऐसा कह दिया, तेरा कोई मुंह नहीं देखे, चंद्रमा को ऐसा श्राप दे दिया, कहा तेरा को कलंकित तो रहना पड़ेगा। बोल एक साल के लिए रख दूं, कहीं महाराज बहुत ज्यादा है, एक महीना महाराज वो भी ज्यादा है, एक सप्ताह के महाराज ज्यादा है। गणेश जी बोले बेटा एक दिन तो रहना ही पड़ेगा तेरे को, और वो दिन कब आएगा, बोले जब मेरा जन्म दिवस आएगा चतुर्थी भादव की चौथ, ताकि लोगों को किसी की भी हंसी उड़ाने से पहले, किसी दुखियारे से मजाक करने से पहले, किसी का उपहास करने से पहले ये याद रहे कि मत सता गरीब को गरीब रो देगा, और गरीब रो दिया तो जड़मूल से खो देगा। चाहे तुम्हारा किसी ने कितना भी बुरा क्यों ने किया हो, पर कोई दुख में है तो उसका मजाक मत उड़ाओ, उसकी हंसी मत उड़ाओ, बस ये कथा यही संकेत करती है, नहीं तो चंद्रमा की तरह महाराज कलंकित होना पड़ता है, मुंह देखने का भी धर्म नहीं है। बस उसी श्राप के कारण आज भी चंद्रमा एक दिन के लिए कलंकित है, जो उस दिन चंद्रमा को देखता है उसे कलंक जरूर लगता है, पर अगर किसी गलती के बस देख लिया हो तो भैया इस भागवत के दसम स्कंद के 56 और 57वें अध्याय को पढ़ लेना, कलंक दूर हो जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए एक छोटा सा भजन गुनगुना लेते हैं, उसके बाद आगे की कथा हमारे राजेंद्र भैया सुनाएंगे एक भजन आपको, बहुत सुंदर हमारे राजेंद्र जी ऐसा भजन सुनाते हैं, बड़ा सुंदर दिव्य की